हेलो स्टूडेंट्स, मैं सूर्य प्रकाश, प्रवक्ता भौतिकी, गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक कॉलेज झालावाड़ से। स्टूडेंट, हम अभी इस वीडियो सीरीज़ में फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम विषय कोड 1002 अप्लाइड फिजिक्स के जो टॉपिक हैं अपने नए सेमेस्टर सिलेबस के अकॉर्डिंग उस पर वीडियो बना रहे हैं, और उसी की सीरीज़ में हमारा जो यूनिट 2 है उसका नेक्स्ट टॉपिक आज हम पढ़ेंगे लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ, यानी कि संवेग संरक्षण का नियम। ठीक है, इससे पहले हमने ये देख लिया था कि बल क्या होता है, बल का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, उसके डेफिनेशंस और उसके साथ साथ न्यूटन की गति के नियम, वो इससे पहले के दो वीडियो में देख लिया था। उसके साथ में कि आज हम जो पढ़ेंगे वो रहेगा उससे आगे का, कि बल, सॉरी, जो पीछे वाले वीडियो में था वो था कि बल और हमने संवेग में रिलेशन देख लिया था न्यूटन के सेकंड लॉ में। ठीक है, अब हम आगे जो चलेंगे ये हमारा रहेगा कि संवेग जो है किसी भी वस्तु का, कण का या पिंड का, वो संवेग जो है कि बाह्य बल अगर नहीं है उस सिस्टम में या उस वस्तु पे या कण पे, तो जो है उसके संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी कि संवेग जो है वो क्या है, उसका स्थिर रहता है। ठीक है, और अगर बाह्य बल लगाते हैं तो संवेग में क्या होता है, परिवर्तन होगा समय के साथ। ठीक है, ये संवेग संरक्षण का जो है नियम मोटा मोटा क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया है। अब इससे आगे चलते हैं हमारा मेन टॉपिक के ऊपर, वो है संवेग संरक्षण का नियम, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो आइए कि सपोज करिए कोई एम द्रव्यमान का कण है और वो वी वेग से जो है गति कर रहा है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो उसका संवेग कितना हो जाएगा, संवेग उसका हो जाएगा वी इक्वल टू एम वी। ठीक है, ये मैं आपको पिछले जो स्लाइड है उसमें जो संवेग की डेफिनेशन है उससे बता चुका हूँ कि अगर कोई कण एम द्रव्यमान का है और वो वी वेग से किसी दिशा में गति कर रहा है तो उसका संवेग वी जो है वो एम इंटू वी, यानी कि उसके द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट कि बल और संवेग में क्या रिलेशन हुआ, तो है कि संवेग में परिवर्तन की जो दर होती है वो क्या होती है, वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होती है। ठीक है, कि अगर मान लीजिए कोई वस्तु है, ठीक है, या कोई कण है, उस पर अगर आप एक बल एफ लगाते हैं तो टी समय में डेल्टा टी, यानी कि एक स्मॉल टाइम लेते हैं, डेल्टा टी समय में उसके संवेग में परिवर्तन कितना हुआ, डेल्टा पी हुआ, तो उस केस में जो परा एफ होगा वो हो जाएगा एफ बराबर डी पी अपॉन डी टी। ठीक है, यानी कि पी का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, समय के सापेक्ष में हमें पी का क्या करना है, अवकलन करना है, तो वो जो अवकलज होगा वो अवकलज किसके बराबर होगा, आरोपित किए गए बल के बराबर होता है, यानी कि अप्लाइड फोर्स के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, यहाँ तक भी हमने पहले की स्लाइडों में पढ़ लिया था, जो न्यूटन का सेकंड जो नियम है गति का उसके अकॉर्डिंग एफ बराबर डी पी अपॉन डी टी हो गया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट चलते हैं। आप नेक्स्ट है कि यदि इस पर आरोपित जो बल है, ये जो बल हम लगा रहे हैं ये बल जीरो हो जाए, ठीक है, यानी कि जो कण है उस पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है, तो बाह्य बल अगर नहीं लग रहा होगा तो एफ बराबर कितना हो गया, पिछले इक्वेशन में एफ बराबर जीरो, तो यहाँ से डी पी अपॉन डी टी भी कितना हो जाएगा, जीरो के बराबर। ठीक है, तो यहाँ हम देखिए कि डी पी अपॉन डी टी बराबर कितना हो गया, जीरो के इक्वल हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसका दोनों तरफ समय के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं। ठीक है, सॉरी, समाकलन कर लेते हैं। ठीक है, तो इधर अगर समाकलन करेंगे समय के सापेक्ष तो डी पी का क्या हो जाएगा, पी में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके संवेग के इक्वल हो जाएगा, और जीरो का समाकलन क्या होता है, जीरो का समाकलन होता है एक स्थिरांक, ठीक है, एक कांस्टेंट के इक्वल आता है जीरो का समाकलन। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये पी जिसको हम एम वी से भी डिनोट कर सकते हैं, ये किसके बराबर आया, स्थिरांक के बराबर आया, और ये कंडीशन कब है, ये कंडीशन तब है जब उस कण या पिंड पर या उस वस्तु पर लगाया गया बाह्य बल, आरोपित अप्लाइड फोर्स जो है, आरोपित बल जो है वो कितना हो, जीरो हो, यानी कि उस पर कोई बल नहीं लग रहा है, उस केस में उस वस्तु का जो संवेग है वो क्या रहेगा, स्थिर रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, उसका जो संवेग है वो संरक्षित रह रहा है, किस कंडीशन में, जब उस पर बाह्य बल शून्य है। ठीक है,
तो ये तो हो गया हमारा मैथमेटिकल, हमने इसको समझ लिया। अब अगर इसको मुझे लाइन में लग मतलब उसमें एक परिभाषा की फॉर्म में अगर लिखना है तो मैं कैसे लिखूँगा, तो ये हो जाएगा कि अर्थात यदि एक कण पर कार्य करने वाले परिणामी आरोपित बल का मान शून्य है तो कण का संवेग स्थिर रहता है, यदि संवेग यही संवेग शोषण का नियम कहलाता है। ठीक है, क्या लिखा है कि परिणामी आरोपित बाह्य बल क्या होना चाहिए, शून्य। तो ये सबसे बड़ी कंडीशन है संवेग शर्षण के नियम में कि परिणामी जो आरोपित बाह्य बल है वो शून्य है, तो उस केस में कण का संवेग क्या रहता है, स्थिर रहता है, और यही संवेग शर्षण का नियम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब अगर सपोज करिए, ये तो हमने एक कण की बात की है। ठीक है, जनरली क्या होता है हमारे पास जो भी सिस्टम है उन सिस्टम या उस निकाय में कण जो है वो क्या होते हैं, बहुत सारे कण होते हैं, बहुतंत्र निकाय होता है, न कि एक कण तंत्र निकाय। ठीक है, तो अब अगर उसमें बहुत ज़्यादा संख्या के अंदर अगर कण है किसी सिस्टम में किसी निकाय के अंदर, तो उस समय संवेग जो संरक्षण नियम है वो किस तरह लागू करेंगे उस पर देखिए। ठीक है, तो सपोज कर लीजिए जो निकाय हम ले रहे हैं उसमें टोटल जो कण है वो कितने हैं, कैपिटल एन उसमें कण है, और उस उन सब का मिला के जो सदिश योग है, क्योंकि संवेग क्या है, एक सदिश राशि है, तो हमें योग भी कौन सा लेना पड़ेगा, सदिश योग। वो सदिश योग कितना है उन सब का, सिस्टम का जो पूरे निकाय का संवेग वो कितना हो जाएगा, सपोज कर लीजिए स्मॉल पी है। तो आगे देखिए, तो हमें क्या करना है, जो स्मॉल पी होगा वो स्मॉल पी किसके बराबर होगा, वो होगा जितने भी कण हैं एन कण हैं उन सब का इंडिविजुअल हम क्या लेंगे, संवेग लेंगे। जैसे एम वन वी वन पहले कण का, एम टू वी टू दूसरे कण का, एम थ्री वी थ्री तीसरे कण का, ऐसे ही एम एन और वी एन किसका हुआ, चौथे उसका, ठीक है, सॉरी एन वे का। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि हमें जितने भी उस सिस्टम में उस निकाय में कण हैं एन जो कण हैं उन सब का इंडिविजुअल संवेग लीजिए, और उन सब का क्या करना है, सदिश योग करना है। वो सदिश योग क्या होगा, उस पूरे सिस्टम के संवेग के बराबर आ जाएगा, यानी कि सिस्टम का संपूर्ण संवेग कितना है, पी है। पी बराबर क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग पी बराबर हो जाएगा पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री प्लस डॉट 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 पी एन, यानी कि सारे के सारे कण का जो संवेग है वो जोड़ दिया, जोड़ने पे वो किसके बराबर होगा, संपूर्ण निकाय के संवेग के बराबर होगा। बस यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ सदिश योग होता है तो आपके ऊपर ये जो है तीर का निशान इस पे पी वन पी टू इन सब पे आएगा। ठीक है, एरो लगाने का मतलब क्या है, वो सदिश है। ठीक है, तो जहाँ पे पी वन पी टू पी थ्री डॉट 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 पी एन क्रमशः कण एक दो तीन डॉट 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 एन के संवेग हैं। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं, अभी मैंने आपको समझा दिया था ये क्या है, सब इंडिविजुअल जो कण हैं उनके संवेग है। अब हमें क्या करना है, फिर से इसका डिफरेंशिएशन करना है, किसके रिस्पेक्ट में, समय के सापेक्ष। तो जैसे इसका समय के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे तो सारे के सारे जो इंडिविजुअल हैं उनका भी क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा। तो नई इक्वेशन क्या बन जाएगी, डी पी अपॉन डी टी बराबर हो जाएगा डी पी वन अपॉन डी टी प्लस डी पी टू अपॉन डी टी प्लस डी पी थ्री अपॉन डी टी प्लस डॉट 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 डी पी एन अपॉन डी टी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। नेक्स्ट, अब डी पी अपॉन डी टी किसके बराबर होता है, समय के सापेक्ष जो संवेग में परिवर्तन की दर होती है वो किसके बराबर होती है, लगाए गए बल के बराबर। ठीक है, तो सपोज कर लीजिए पूरे तंत्र पे बल कितना है, एफ हो रहा है, तो इंडिविजुअल पार्टिकल पे कितना हो गया, पहले पे एफ वन हो गया, दूसरे पे एफ टू हो गया, तीसरे पे एफ थ्री हो गया, ऐसे करते करते एन वे पे एफ एन हो गया। तो जो बल होगा वो भी क्या होगा, इन सब का सदिश योग के बराबर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्या बन जाएगा कि एफ बराबर हो जाएगा एफ वन प्लस एफ टू प्लस एफ थ्री डॉट 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 प्लस एफ एन। ठीक है, अब यहाँ पे जो एफ जो है क्या बोलते हैं कि एफ वन एफ टू एफ थ्री, ये क्या है, एम वन एम टू एम एम थ्री डॉट डॉट एम एन पर जो द्रव्यमान है उस पर लगाया गया बाह्य बल या आरोपित बाह्य बल जो है वो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए। अब अगर ये जो बल है, ठीक है, परिणामी बाह्य बल है, ये परिणामी बाह्य बल अगर जीरो के बराबर हो जाता है, ठीक है, या ये थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है जो लिखा ना, यदि एफ बराबर डी पी अपॉन डी टी, ये बराबर में यह क्या है, यहाँ यह है जीरो। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे जीरो के बराबर है।
ठीक है। तो जैसे ये dp अपॉन dt जीरो के बराबर, यानी कि जब बाह्य बल जो है वो कितना हो, शून्य, यानी कि आरोपित बाह्य बल कितना है, परिणामी उसका योग शून्य के बराबर है, तो इसका मतलब फिर से इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे जीरो किसके बराबर आएगा, स्थिरांक के बराबर आएगा, ठीक है। क्योंकि अवकलन अगर किसी का जीरो है तो उसका समाकलन करेंगे तो क्या आएगा, कॉन्स्टेंट के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही कॉन्स्टेंट के इक्वल आए, इसका मतलब क्या है कि P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 डॉट 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 प्लस Pn बराबर स्थिरांक, ठीक है। P1 P2 P3 इनको क्या लिख सकते हैं, M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3 प्लस डॉट 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 Mn Vn, यानी कि उस निकाय के जितने भी कण हैं उन सब के द्रव्यमान, इंडिविजुअल का द्रव्यमान और इंडिविजुअल का वेग है, उन सब का गुणनफल करके उनको जोड़ते हैं तो वो क्या आएगा, स्थिरांक। और ये कब आएगा, जब उस पूरे के पूरे जो अपना निकाय है उस निकाय पे लगने वाला बाह्य बल कितना हो, शून्य के बराबर हो, ठीक है। तो यहाँ से पहले तो हमने जो किया है वो किसके लिए किया, इंडिविजुअल एक कण के लिए था, अब ये कणों के निकाय के लिए है, तो इसके लिए क्या बन जाएगा सर्वेक्षण का नियम, वो ये बन जाएगा कि ऐसा निकाय जिस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा है या कार्यरत बाह्य बलों का सदिश योग शून्य है, एक विलिगत या वियुक्त निकाय कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, या तो कोई बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा है, या अगर बाह्य बल बहुत सारे कार्य कर रहे तो उनका संपूर्ण योग कितना आना चाहिए, परिणामी शून्य। जैसे एग्जांपल कैसे आ सकता है कि अगर मान लीजिए आप दोनों हाथों को पकड़ के एक दूसरे को खींचते हैं और हाथ वहीं के वहीं हैं, एक हाथ जैसे दोनों हाथ है ना आपको, उन दोनों को हथेलियों को आपने उंगलियों को लॉक किया और दोनों हाथों को अब विपरीत दिशाओं में खींचते हैं, तो हाथ तो वहीं के वहीं हैं लेकिन आप बल तो लगा ही रहे ना उस पर, बल लगाने फिर भी हाथ किधर भी नहीं जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि बल का परिमाण बराबर है, दोनों विपरीत दिशा में, तो परिणामी बल कितना हुआ, शून्य हुआ। तो ऐसा कोई अगर निकाय है जिसका क्या है, बाह्य बल या तो कार्य नहीं कर रहा, और कार्य अगर कर रहे हैं तो उनका सदिश योग कितना है, शून्य के बराबर है, तो उसको क्या कहेंगे, विलिगत निकाय या वियुक्त निकाय कहते हैं, ठीक है। और एक विलिगत निकाय का कुल संवेग नियत या संरक्षित रहता है, ठीक है। बल है ही नहीं परिणामी तो संवेग क्या हुआ, कॉन्स्टेंट हुआ, स्थिर हुआ, स्थिर हुआ, तो इसका मतलब क्या है, नियत हुआ, इसका मतलब क्या है कि संवेग संरक्षित रह रहा है, संवेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ठीक है। आगे समझ में, चलिए फिर है नेक्स्ट। अच्छा, इसका अगर एग्जांपल देखें तो क्या हो सकता है, जैसे संवेक्षण का नियम का एग्जांपल अगर हम देखें तो एग्जांपल ये देखिए कि अगर सपोज करिए आपके पास कोई दो कांच की गोली है ना, कंची खेलते ना अपन, आपने भी खेली होगी बचपन में, है ना, तो कंचे खेलते तो क्या करते हैं, जो कंची स्थिर पड़ रही अपन क्या करते हैं, दूसरी कंची से उसके ऊपर जो है मारते हैं, तो क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि वो कंची जो है वो वहीं रुक जाती है जिससे अपन मारते हैं, और दूसरी जिस पे लगती जो स्थिर थी वो क्या करती है, आगे गति करने लग जाती है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि गति से जब आपने, जब ये टक्कर हुई दो कंचियों के बीच में, तो टक्कर से पहले कौन सी कंची जो आपके हाथ में थी उसका वेग और उसका संवेग था, उसने क्या किया, संवेग किसको ट्रांसफ़र किया, आगे वाली कंची को ट्रांसफ़र किया, और ट्रांसफ़र करते ही क्या हो गया, वो तो वहाँ रुक गई, वो आगे वाली जो है वो गति करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, बाहर से तो कोई बल नहीं लग रहा, उस गोली का घुसता कुछ संवेग था, उसने उसको दिया, आगे वो ट्रांसफ़र हो गया, लेकिन यह क्या होता है कि फ्रिक्शन की वजह से कुछ जो है जो संवेग संरक्षण का जो नियम होता है कम्प्लीटली नहीं लग पाता, कुछ जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है, हानि हो जाती है ऊष्मा के रूप में, या फिर घर्षण जो होता है उसकी वजह से, ठीक है, ये सब चीज़ें। लेकिन अगर मान लो कोई उसके अंदर बाह्य बल, यानी कि सपोज करिए कोई घर्षण बल नहीं है, कोई भी उसके अंदर मान लीजिए ऊष्मा की वजह से हानि नहीं होती है, तो क्या होता है, टक्कर सारा का सारा संवेग जो होता है वो संरक्षित रहता है, यानी कि टक्कर से पहले का संवेग किसके बराबर होगा, टक्कर के बाद के संवेग के बराबर होता है। और इसी कंसेप्ट का यूज करके अपन जो है इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व करते हैं, ठीक है। जब भी कोई टक्कर वाले क्वेश्चन होते हैं तो टक्कर वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं सोल्व, कि संवेग जो होता है वो टक्कर से पहले संरक्षित जितना होता है उतना ही टक्कर के बाद संवेग होता है, ठीक है। इसके एग्जांपल जो है इसका यूज करके आप संवेक्षण का बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनको इजी कर सकते हैं, जो आपके डेली लाइफ में, उसका एग्जांपल मैं एक दो आपको बताता हूँ। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा कि कुछ लोग जो है वो काफ़ी हाइट, यानी कि 10-12 फीट की ऊंचाई से एक मंजिल दो मंजिल से नीचे कूद जाते हैं, उनको कुछ भी नहीं होता, ठीक है। लेकिन अगर आप और हम कूदते हैं तो अपने पाँव की हड्डी टूट सकती है, तो इन हड्डी टूटने से बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ठीक है, उसका हम यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि जब भी हम ऊपर से कूदेंगे नीचे तो अपना कुछ ना कुछ द्रव्यमान है बॉडी का, ठीक है, और जैसे जैसे नीचे आएंगे वैसे वैसे वेग में क्या होगा,
अपने बढ़ोतरी होती है, इंक्रीज होता है वेग इंक्रीज होते होते जब हम टक्कर करते हैं पृथ्वी से, अपने पांव टकराते हैं उससे जस्ट पहले क्या होता है, अपना जो वेग और अपना द्रव्यमान है उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो वो क्या होता है, उसका संवेग होता है। ठीक है, अब हम उस पृथ्वी को टक्कर कर रहे हैं, तो पृथ्वी को टक्कर कर रहे हैं, पृथ्वी का द्रव्यमान इतना ज़्यादा है कि हम उसको संवेग ट्रांसफ़र नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि पृथ्वी जो है वो गति करना लग जाएगी नीचे, आप उसके टक्कर, जैसे कंची वाला केस में हुआ था, आपने कंची से कंची मारी तो दूसरी वाली कंची इस तरह थी वो गति करने लगी, लेकिन पृथ्वी तो नहीं करती आपके टक्कर से गति। तो इसका मतलब क्या हुआ, टक्कर के पहले जो आपका संवेग था वो पूरा का पूरा संवेग वापस किसको ट्रांसफ़र हो रहा है, वो बॉडी को ट्रांसफ़र हो रहा है, और जो बॉडी को ट्रांसफ़र हो रहा है इसलिए अपना जो पाँव है वो डैमेज या अपनी हड्डी वो डैमेज हो जाती है। लेकिन अगर जैसे ही टक्कर हुई, टक्कर होते ही आप अगर गोल घूम के या जैसे गुलाटी खा के होते ना वैसे करके अगर आप आगे राउंड कर गए, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो संवेग जो है वो अपनी हड्डियों को ट्रांसफर नहीं होकर पूरी बॉडी ने आपको उस संवेग को, जैसे घूमे ना, जैसे आपने वेग रखा तो वेग इंटू आपका द्रव्यमान करके उस संवेग को आपने क्या किया, गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट करके गति करना स्टार्ट कर दिया। तो अगर आप गति करना स्टार्ट कर देते हैं उसको, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो हड्डियों के अंदर जो है ट्रांसफर नहीं होके आपकी गति में ट्रांसफर हो गए। तो आप इस तरह से क्या हो सकता है, बच सकते हैं। जैसे आपने कई जगह देखा होगा जो ये स्टंटमैन होते हैं वो जैसे ही नीचे कूदते क्या करते हैं, गुलाटी खा के आगे गोल गोल राउंड करते हैं। तो इससे क्या हुआ, उन्होंने जो संवेग था उनको अपने बॉडी को ट्रांसफर, मतलब हड्डी को ट्रांसफर होने के बजाय उसमें किस में कन्वर्ट कर लिया, अपनी गति में उसको यूज कर लिया। तो जितना संवेग पहले था उतना ही बाद में रखा और धीरे धीरे उसको कम करके और उन्होंने अपनी हड्डियों को और अपनी बॉडी को डैमेज होने से बचा लिया। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इनका संवेग सृष्टि के इन सब का यूज करके नियमों का और अपनी ज़िंदगी जो है, अपनी लाइफ है उसको काफ़ी आसान कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत हो, कोई आपकी प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।